Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Ice Scream 4. ये तो 8 हो गया भाई. तो पहले मैं आपको ना इस गेम की थोड़ी सी स्टोरी क्लियर कर देता हूँ कि आखिर कहानी में चल क्या रहा है. हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को एक आइसक्रीम अंकल ने किडनैप कर लिया अपने पास. और जब हम लोग लास्ट टाइम उन्हें बचाने गए थे तो आइसक्रीम अंकल ने ऑलमोस्ट हमें भी पकड़ लिया था, बट जैसे तैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स को बिना बचाए वहीं से भाग आए. तो देखते हैं कि आखिर क्या मैं अपने सभी फ्रेंड्स को आइसक्रीम अंकल की फैक्ट्री से एस्केप करवा पाता हूं या फिर नहीं. बाकी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है ना, इसे जल्दी से जाके प्रेस कर दो, क्योंकि आप में से सिर्फ और सिर्फ 42% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है. ये बाकी के 58 कहाँ है भाई? जल्दी से बटन दबा के इस ग्राफ को बढ़ाओ. वेल, तो अभी मुझे ये आइसक्रीम अंकल इस वैन में बिठाकर अपनी ये बड़ी सी आइसक्रीम फैक्ट्री में लेकर आ चुके हैं, जो कि सचमुच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है. और इसी फैक्ट्री के अंदर इसने हमारे बाकी सभी फ्रेंड्स को किडनैप करके रखा हुआ है. बाकी यार, ये जो आप सामने इसका स्टैचू देख पा रहे हो, इस स्टैचू के अंदर इसने अपना एक गैराज बनाया हुआ है, जिसके अंदर इसने अपनी वैन ले जाके पार्क कर दी है. और मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार ये हमारे साथ आज इस फैक्ट्री में क्या करने वाला है. और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर इस रॉड को, मीन्स ये आइसक्रीम अंकल को, ये मोटे बच्चों को किडनैप करने में क्या मजा आता है. खैर, इसीलिए हमने इसकी रेसिपी चुराई, वो आइसक्रीम खाई ताकि हम भी मोटे हो जाएं और ये हमें दोबारा से किडनैप कर ले और हमारे दोस्तों के पास वापस लेकर आ जाए. अभी सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. अब बस मुझे इस फैक्ट्री में अपने दोस्तों को ढूंढना है और उन्हें बचा के यहाँ से बाहर निकलना है. खैर, मुझे जिस रूम के अंदर ये लेकर आया है भाई, इस रूम के अंदर तो बहुत सारी ऐसे केज है और यहाँ पर अपने बाकी दोस्त है माइक लिस एंड ये बेचारा ये भी यहाँ पर परेशान हो रहा है बैठ के, पर इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. Kids, you're all reunited again. भाई ऐसे रियूनाइट होने का कोई फायदा नहीं है. ये बहुत ज्यादा मजे ले रहा है. आज तो कुछ भी हो जाए यहाँ से एस्केप करना ही करना है, वो भी अपने दोस्तों के साथ. इसकी सारी मस्ती खत्म करनी है. बट वेट, ये क्या चीज है भाई? कुछ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है इस रूम के अंदर. ये इसका स्पेशल रूम जो है. यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस केज एंड रेस्क्यू योर फ्रेंड्स. ठीक है, फिलहाल अभी हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए सबसे पहले इस केज से बाहर निकलना होगा. और इस केज का ये जो गेट है, मैं इसे ओपन कर सकता हूँ. इट्स लॉक्ड विद अ की. मुझे कोई चाबी ढूंढनी होगी ताकि मैं इस केज को ओपन करके यहाँ से बाहर निकल पाऊँ. और ये इसका लॉक है. द लॉक इज अबाउट टू ब्रेक. ये काफी ज्यादा कच्चा है तो शायद से मैं इसे थोड़ा बहुत हिलाऊंगा तो ये टूट जाएगा. बट ये कौन है? हेलो, ये क्या लिख रहा है पेन से कॉपी पे? ये काफी ज्यादा गंदी सी शक्ल. ओ, मैं जैसे इसे ओपन करने का ट्राई कर रहा हूं, ये मेरी आवाज सुन के चेकिंग करने के लिए यहां पर आ जा रहा है. और ये शायद से एक छोटा सा रोबोट है जो कि रॉड ने यहां पर सिक्योरिटी के लिए लगा रखा है. ये काफी ज्यादा अजीब शक्ल का है. अपने सारे दोस्त बेचारे सामने बैठ के परेशान हो रहे हैं. यार, मुझे क्या करना चाहिए? ओ, लेफ्ट साइड में एक बेंच है. इस बेंच के ऊपर एक रेंच टाइप कुछ तो पड़ा हुआ है. गिरा दो. ओ तेरी, मुझे ये रेंच मिल चुका है. शायद अभी मैं इसे ओपन नहीं कर सकता, बट क्या इस पे, ओ तेरी की, मैं इस लॉक को तोड़ सकता हूं क्योंकि ये कच्चा था. और फाइनली मैंने लॉक तोड़ दिया और अब शायद से ये केज ओपन हो जाएगा. बट मैं इसे अभी नहीं ओपन करने वाला, क्योंकि अगर मैंने इसे अभी ओपन करा, भाई ये कैसे घूरता है आके. वेट, अभी वो जा चुका है. अब मैं इसे ओपन करता हूँ. इसको मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ. ये रे अपने सारे के सारे दोस्त, इनको भी जल्दी से यहाँ से बचा लेता हूँ. बट नहीं, मेरा वाला जो लॉक था वो कुछ अलग सा लॉक है, वो उसमें ताला लगा हुआ था. बट जो ये लॉक है, ये कुछ तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट मुझे लग रहा है. इसमें रेड लाइट जल रही है. मेरे लॉक में ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल वाला सिस्टम नहीं था. मैं यहाँ से इसे ओपन नहीं कर सकता. यहाँ पर ये तो बेचारी रो रही है, वो भी बिल्कुल एकदम परेशान सा हो गया अंदर बैठे बैठे. और ये काफी ज्यादा उदास लग रहा है, थोड़ा समझदार सा. और वेट, इस रोबोट को क्या हो गया? हेलो, मैं इसको मार नहीं सकता क्या? तेरी पैंस. ओ, मैं इसको नहीं मार सकता. और ये क्या कर रहा? टच द स्क्रीन सर्वेट. ओ वेट 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 वेट. ओके भाई, ये जो रोबोट है ये करंट लगा देता है. सही टाइम पर भाई मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया. भाई काफी अजीब सीन है. ये एक्सट्रैक्शन रूम है, यहाँ पर एक जगह है, द पाइप इज सील्ड ऑफ. भाई सामने से आइसक्रीम अंकल आ गया, क्योंकि जब ये मेरे पीछे पड़ा था तो अलार्म बज रहा था. मुझे यहाँ से भागना होगा. बट नहीं, इसने मुझे बहुत बुरी तरह पकड़ के
जमा के बेहोश कर दिया है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो अटेम्प्ट्स और बचे हैं और मुझे कुछ भी करके यार यहाँ से एस्केप करना ही होगा। खैर ये यहाँ पर इसने मुझे किसी दूसरी केज में बंद कर दिया यार इस पर लाके, और ये वाला लॉक तो कच्चा भी नहीं होगा तो मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। और वैसे अगर एक बार को टूट भी जाए तो कुछ होना तो चाहिए ना तोड़ने के लिए। खैर ये जो रोबोट है यहाँ पर आ रहा है, बैक साइड में एक पेंटिंग है, मैं इस पे मुझे इस पेंटिंग के पीछे से एक चाबी मिल चुकी है और मैंने कुछ नहीं करा भाई, उसको बताइए मत वापस से। लास्ट टाइम इसका सायरन बजा और वो आवाज़ सुन के आ गया था। खैर ये प्लीज नाइस, तो ये चाबी इसी लॉक की थी, हमने केज को वापस से ओपन कर लिया है। अभी मैं यहाँ से बाहर निकल के भाग लेता हूँ। द डोर इज लॉक्ड फ्रॉम द अदर साइड, ये काफ़ी ज़्यादा गलत सीन है यार, ये वाला डोर पूरा बंद हो रखा है दूसरी साइड से। यहाँ पर एक वेंट ओपन हो गई है तो हमें एक बाहर निकलने का मस्त रास्ता मिल चुका है। और अभी मैं किसी एक टॉयलेट में आ गया हूँ और यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग रूम हैं और ये सारे रूम मैं इनमें छुप सकता हूँ अगर कल को रॉड या फिर ये रोबोट मेरे पीछे पड़ते हैं जो कि मिनी रॉड्स हैं, तो मुझे उनसे बच के रहना है। खैर यहाँ पर एक कट सीन है, शायद बाहर कुछ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वेट, कंट्रोल रूम, और इसके बाहर खड़ा हुआ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रोबोट बॉडीगार्ड जिसका फेस सेम टू सेम रॉड जैसा ही है। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस रोबोट टू एंटर द कंट्रोल रूम एंड रिलीज योर फ्रेंड्स। मैं समझ गया पूरा खेल। तो ये जो कंट्रोल रूम है, इस रूम के अंदर कोई ना कोई ऐसा बटन है जिससे मैं अपने सभी फ्रेंड्स की केज ओपन कर सकता हूँ। और अभी इसने मुझे देखा ना कि मुझे ऐसा लगा, नहीं उसकी आंखें ही ऐसी है शायद। हाँ तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मुझे ना इसको शायद से परेशान करके इस गेट के वहां से हटाना है। एक बारी मैं आगे चल के ट्राई करता हूँ हटाने का, बट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन डैमेज फ्लोर, ये फ्लोर क्रैक फ्लोर है। यू कैन ब्रेक द फ्लोर फ्रॉम हेयर, बोरिस माइट फाइंड यू। ये जो बंदा खड़ा है इसका नाम, हाँ इसके नेम टैग पे देखो बोरिस लिखा हुआ है। क्या मैं एक बारी ट्राई करूं अंदर जाने का, गेट खोलने का? यार एक बारी आप लोग इस रोबोट को क्लोज से देखो, ये इतना ज्यादा जायंट है कि मेरे जैसे दो से तीन बंदे आ जाएंगे। फिलहाल अभी मैं दीवार से खिसकता हुआ इस डोर के काफी ज्यादा क्लोज आ गया हूँ। बोरिस इज ब्लॉकिंग द डोर, यार इसने दरवाजे को पूरा ब्लॉक कर रखा है, मैं कुछ भी करके अंदर नहीं जा सकता। तो मुझे इतना तो समझ आ गया ये फ्लोर क्रैक है, उसमें लिख कर आ रहा है कि इस फ्लोर को मैं यहां से नहीं तोड़ सकता, यानी कि मुझे इस फ्लोर को कहीं और से तोड़ना है ताकि बोरिस इसमें आके गिर जाए और मर जाए, फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा और मैं अंदर जाके अपने दोस्तों को बचा लूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक वेंट है, कोई तो सीक्रेट रास्ता मुझे यहाँ पर देखने। ओह तो अभी मैं घुमा फिरा के एक दूसरे रास्ते से वापस उस जगह पे आ गया हूँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। अब कल को रॉड हमारे पीछे पड़ता है तो मैं यहाँ से इजिली भाग सकता हूँ। खैर अभी जल्दी से ये दरवाजा खोल के मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। और वेट, यहाँ पर काफ़ी सारे रूम है, एक्चुअली ये ना एक ऑफिस है, इस तरफ में एक आध प्लैंक है जिसमें नेल मतलब कील लगी हुई है तो मैं इसे ओपन नहीं कर सकता, और सामने से उसका रोबोट आ रहा है। मैंने सही टाइम पर उसे देख लिया वरना वो अपनी बैंड बजा डालता, मैं सही बता रहा हूँ। यार यहाँ पर एक डोर है जो कि इसके गैराज पे जाने का रास्ता है। ओके तो बाहर निकलने का रास्ता भी यही होगा जहाँ से गाड़ी अंदर आई है। अब देखो मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, अब बस मुझे अपने दोस्तों को छुड़ाने का तरीका ढूंढना है। और वेट, रोड भी गाइस नीचे ही है और उसने मुझे देख लिया है, वो भाग के आ रहा है। वेट भाई साहब इसको बंद करो, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वो पक्का यहीं पर। ओह वेट, अभी तो बहुत ही गलत सीन हो जाएगा, मैं बच गया भाई, उसने करंट लगा दिया था अभी तो बहुत बुरी तरह। खैर अभी जल्दी से इस गेट को ओपन करते हैं, मैं बच चुका हूँ इन लोगों से ऑलमोस्ट, और अगर रोड ऊपर है तो मैं भाग के इसके गैराज में जा सकता हूँ और बाहर निकलने का जो गैराज है वो ओपन कर सकता हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊँ। जल्दी से नीचे चलते हैं, हम लोग उसकी वैन में बैठ के अलग अलग जगह पे ट्रैवल भी कर सकते हैं, बट नहीं इसकी वैन ख़राब है, इसने रिपेयर होने के लिए लगा रखी है। मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर एक क्रोबार है, पता नहीं ये क्रोबार, ओ ऊपर वो जो नेल थे ना गाइस उसे मैं ओपन कर सकता हूँ उन क्रोबार से। और यहाँ पर ये एक स्टेप लैडर है, इसके ऊपर चढ़ता हूँ अभी मैं जल्दी से। ओके पता नहीं ये स्टेप लेटर मुझे कहाँ पर लेकर जा, ओ एक सेकेंड यहाँ सामने कुछ तो है। स्क्रू, यू नीड समथिंग टू अनस्क्रू देम विद, तो यहाँ पर एक सीक्रेट वेंट है जो कि पता नहीं कहीं पर तो मुझे लेकर जाने वाली है, और अगर मैं इसको खोलता हूँ, इस वेंट को खोलता हूँ तो मैं पक्का किसी सीक्रेट रास्ते पर चले जाऊँगा। बट इसको खोलने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए होंगे। फिलहाल वो यहाँ पर आ गया, उसने मुझे देख लिया, तेरी भैंस की टंगी ले, इसका सर पे क्रोबार फेंक के मैंने मार दिया। और अभी मैं जल्दी से इसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि इसको चक्कर आ गए हैं, ये क्रोबार से वो रास्ता खुल जाएगा और शायद से मुझे उसके अंदर से स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा और मैं फिर इस वेंट को भी ओपन कर पाऊंगा। भाई अब बस
इसके ये जो छोटे नुन्ने मुन्ने से बॉडी गार्ड है ना, ये मुझे ना देख ले। ओ वो उस तरफ जा रहा है, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ काफ़ी इजीली। एक ओपन हो गया, दूसरे वाले को भी ओपन कर लेता हूँ, तीसरे वाले को भी ओपन कर लेते हैं, और ये रहा चौथा वाला, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। लेट्स गो, अभी जल्दी से वाला गेट। ओ वो आ रहा है, वो आ रहा तेरी, ये ले। क्या मारेगा भाई हमें, क्या मारेगा? दे इधर मेरा क्रोबार। नाइस, तो भी क्रोबार। अरे यार बच गया मैं, मैंने डॉज कर दिया उसे। यहाँ पर स्टेप लैडर है, बट स्टेप लैडर का मुझे कोई यूज नहीं पता, मुझे एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए था। आ जा, ये ले। बहुत बदमाश बन रहा है, बहुत बदमाश बन रहा है, ला इसे वापस। हाँ अभी मुझे इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। खैर हाँ, डरना चाहिए थोड़ी देर के लिए। मैं चुपचाप से यहाँ पे छुप जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता हूँ। फुल एकदम शांति से मुझे छुपे रहना है। क्राउच भी कर लेता हूँ ताकि वो मुझे देखे ना, और शांति से यहाँ से बाहर निकल ले। बट हाँ भाई, ये क्या है? मैं छुपा हुआ था फिर भी उसने मुझे देख लिया। तो अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस और बचा है, और इस बारी मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। और इसने मुझे दोबारा से किसी दूसरी केज में ला के बंद कर दिया है। इट्स लॉक्ड विद अ की। तो भी मुझे एक चाबी ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये अनलॉक हो जाए, बट जो कि काफी ज्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक लॉक है, द लॉक इज वेरी वॉर्न। इसके सिर पे कुछ, ओह इसके सिर पे एक पेन था जो कि मैंने इसके सिर से मैंने एक पेन चुरा लिया। पेन क्या है? टू एस्केप फ्रॉम द केज यू नीड टू यूज अ पॉइंटेड आइटम टू फोर्स द लॉक। मैं इसको तो मैं इसको अनलॉक कर सकता हूं इससे। अभी ये वाली केज मैंने ओपन कर दिया है। चुपचाप से जो दूसरा रास्ता था ना, वहां से बाहर निकलते हैं। मुझे एक स्टेप लेटर मिली थी, मुझे एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढना है। यहाँ पर काफी सारे ऑफिस हैं पक्का। ये मैं अपने हाथ में रख लेता हूँ जिससे कि अगर कल को वो आए तो मैं उसके सर पे फेंक के मार दूं। और वेट, मुझे यहाँ से एक ट्रॉफी मिली है। ट्रॉफी का क्या सीन है? अ ट्रॉफी फॉर द बेस्ट आइसक्रीम मेकर, द टॉप पार्ट लुक लाइक अ स्क्रू ड्राइवर। वेट, तो अभी मुझे एक स्क्रू ड्राइवर समझ लो मिल चुका है, क्योंकि जो ट्रॉफी है ये आइसक्रीम अंकल को मिली थी बेस्ट आइसक्रीम मेकर के अवार्ड पे। और इस आइसक्रीम का मतलब इस ट्रॉफी का जो टॉप पार्ट है वो एक स्क्रू ड्राइवर का काम कर सकता है। अरे यार सब एकदम सही चल रहा था, बट इसने अभी आइसक्रीम अंकल को समझ लो बुला लिया है। अगर वो आएगा तो अच्छी बात है, मेरे पास ये खतरनाक वेपन जो है उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा ना, मुंह टूट के हाथ में आ जाएगा उसका। खैर एक क्वालिटी कंट्रोल रूम है, इसका डोर मैंने ओपन कर दिया है, मैं आना जाना कर सकता हूँ। आ जा बाहर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, ऐसा इधर फैंस ये ले। अब बोल फालतू, दिमाग खराब कर रखा है जब से, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये आइसक्रीम मेकर है तो गाड़ी भी रिपेयर कर लेगा, बच्चे भी किडनैप कर लेगा, वैन भी चला लेगा, सब काम कर लेगा ये। मतलब कोई दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है क्या? खैर अभी सब कुछ ठीक है, अभी यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ। और इस तरफ में ये देखो ये वेंट, इसका मैं स्क्रू अब इससे ओपन कर सकता हूँ ना। इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और दोनों वेंट के स्क्रू मैंने हटा के वेंट डोर हटा दिया है। और ये जो वेंट है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, पता नहीं इसके थ्रू मैं किस जगह पे पहुंचने वाला हूं। खैर इसको ओपन करते हैं, और पीछे पीछे अपने ये भी आ रहा है, इसको सब कुछ मालूम है हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। ओके, तो इसकी बातों से मैं काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ समझ गया हूँ। ये कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इसके मिनी रोड को कुछ होता है, मतलब उन्हें कुछ पता चलता है तो ये हमें पकड़ने आ जाएगा। मतलब जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वहां पर भी कुछ इसी टाइप के मिनी रोड्स इसने सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं, हमें उनसे बच के रहना होगा, क्योंकि वो हमें देखते ही अलार्म बजाएंगे और उसको हमारे ऊपर शक हो जाएगा। काफी ज्यादा बढ़िया बात है, बट नहीं ये तो एक फेक रोड है, इसका पुतला है। मैं एक बार को डर ही गया था सही में। कह रहे यहाँ पर यू नीड एन आईडी कार्ड टू ओपन इट। काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं जिसे ओपन करने के लिए मुझे आईडी कार्ड चाहिए होगा। और यहाँ पर एक आइसक्रीम है, बट नहीं मैं इसे अभी नहीं उठाऊंगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तभी उठाऊंगा। मैं अपने हाथ में ट्रॉफी रखने वाला हूँ ताकि कल को रॉड मुझे मारने आए तो मैं उसका सिर फोड़ डालूँ इससे। वैसे ये जो जगह है सची में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली है, पता नहीं कैसा सा वेयर हाउस है इसकी आइसक्रीम फैक्ट्री का। कुछ कुछ डोर ओपन हो रहे हैं, कुछ कुछ डोर ओपन नहीं हो रहे, कुछ इतना खास मुझे नहीं। यार इसने मुझे, तेरी भैंस के अंदर ही रह तू, मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। पता नहीं यार बार बार ही मुझे ढूंढ ही लेते हैं ये लोग अलग अलग तरीके से। यहाँ पर एक कोड है, इट्स लुक लाइक द नंबर्स आर रिलेटेड एंड इन अ सर्टेन ऑर्डर। कुछ एक नंबर लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर, बट ये कोई कोड होगा पक्का। बाकी ये देखो इसकी फैक्ट्री का मॉडल, मतलब 3D मॉडल कुछ इस टाइप का है। पीछे से एक नदी, वो आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आइसक्रीम अंकल। क्या आप लोगों ने उसके यहाँ पे पैर के निशान देखे? मतलब निशान नहीं, उसके पैर देखे, वो यहीं से होता हुआ गया है।
और अभी मुझे इससे छुप के यहाँ से निकलना होगा। वो लेफ्ट गया तो मैं यहाँ से अपना राइट चले जाता हूँ। इस तरफ में एक बड़ी सी मशीन है जिसके बीच में कैंडी रखी हुई है और यहाँ पर एक ये बटन है। इस बटन को इट्स लॉक विद अ 3-point लॉकिंग सिस्टम। यहाँ पर मुझे कोई तीन चीज़ें ला के लगानी है इन स्लॉट में जिससे ये जो बीच की कैंडी है मुझे मिल जाएगी। बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार इस कैंडी का क्या यूज़ है। खैर सामने अगर देखा जाए तो लॉस्ट प्रॉपर्टी और एक बहुत खतरनाक सी गन रखी हुई है। और ये गन अपने दोस्त की है, इलेक्ट्रो गन। ये माइक की गन है। और एक सेकेंड, यहाँ पर ये रोबोट बेहोश हो गया और इसके पास से मुझे ये आईडी कार्ड मिल गया है। नाइस। क्या मैं इस आईडी कार्ड से वो जो कैबिनेट्स थे वो ओपन कर सकता हूँ क्या? मुझे ना अभी बस इन मिनी रोड से बच के रहना है, बाकी मुझे आइसक्रीम अंकल से डरने की बात है ही नहीं, क्योंकि वो मुझे तो भाई मानो एक बार को कल को पीछे छुपा होता और फिर धप्पा कर देता। क्या ठीक है, नहीं छुपा। हाँ तो मुझे उससे डरने की जरूरत तब है जब ये रोड मुझे पकड़, मतलब मिनी रोड मुझे पकड़ लेते हैं। वैसे भी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार ये आईडी कार्ड कहाँ पर चलने वाला है, बट मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी तरीके से मुझे ये गन मिल जाए तो शायद से मैं इस गन के थ्रू बोरिस को और आइसक्रीम अंकल को मार सकता हूँ और फिर अपना काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि हमें मारने वाला कोई नहीं होगा। और इस वाले टॉयलेट में एक वेंट है जो कि पक्का मुझे किसी ना किसी सीक्रेट रास्ते पर लेकर जाएगा। देखने में तो कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। और हाँ, ये मुझे किसी एक सीक्रेट रास्ते पे लेकर आ चुका है। और सामने वेंट और बड़ा है, कितना अंधेरा है। मानो एक बार को सामने से आइसक्रीम अंकल आ जाए और हमें धप्पा कर दे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यानी यहाँ पे भी कैबिनेट्स हैं। इसके अंदर तो इसके अंदर ये आईडी कार्ड लग चुका है। और यहाँ से मुझे एक कारपेट मिला है, पर पता नहीं इस कारपेट का क्या यूज है। खैर यहाँ पर लॉस, वेट 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 गाइस 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 गाइस, ये वाला जो डोर है ना जिसमें कोड मुझे डालना है, ये डोर इस वाले रूम का है जिसके अंदर गन पड़ी हुई है। मैं एक बारी कंफर्म करके आ जाता हूँ उसका डोर किस कलर का था। ये देखो, ये ब्लू कलर का है। और इस वाले डोर को ही खोलने के लिए हमें एक कोड ढूंढना है। तो शायद से वो जो मुझे अलग अलग नंबर्स दिख रहे थे ना रेड ब्लड से लिखे हुए, पक्का वो चार मुझे नंबर, चार या कितने डिजिट का कोड। क्या ठीक है, जो भी है, अभी सबसे पहले तो इस कारपेट का यूज़ पता करते हैं और मुझे यहाँ से अभी बाहर निकलना है, वो पता करना है कि कैसे पॉसिबल होगा। और यहाँ पर एक जगह है, नीचे एक वेंट है। ओ वेट, मुझे ऊपर से बोरिस के सोने का साउंड आ रहा है जिसने वो कंट्रोल रूम का गेट लॉक कर रखा था, मतलब ब्लॉक कर रखा था। और ये वही वाला फ्लोर है जो कि क्रैक है। पक्का मैं इसे यहाँ से कहीं ना कहीं से तो इसे तोड़ सकता हूँ। स्काफोल्ड, यू नीड समथिंग टू क्लाइंब अप ऑन टू द स्काफोल्ड। मैं समझ गया, मुझे गाइस ऊपर से वो जो स्टेप लैडर मिली थी ना, मुझे उसका यूज करके इसके ऊपर चढ़ के इस फ्लोर को तोड़ना है। यहाँ पर एक पाइप जा रही है, ये वाला बटन दबाऊँ क्या? इसमें क्या लिखा है? यू ओपन द पाइप, नाउ यू कैन गो थ्रू इट टू द फ्लोर अबव। वेट, एक सेकेंड। ओके, ओ माई गॉड, तो अभी मैं घुमा फिरा के वापस से उस एरिया में आ गया हूँ जहाँ से मैं पहले गया था। मैंने एक नए शॉर्टकट रास्ते को ओपन कर दिया है, बट हाँ मुझे यहाँ से अभी थोड़ा छुपना होगा पहले। जब ये यहाँ से चले जाएगा ना, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा क्योंकि ये देखेगा तो शोर में। ओके, तो गाइस अभी वो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे जा चुका है। फटाफट मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और ये जो दूसरा सीक्रेट रास्ता है इसके थ्रू यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ते हैं। और मुझे अभी स्टेप लैडर चाहिए थी। चले जा, नाइस, मुझे यहाँ से भी स्टेप लैडर मिल चुका है। मैं इसे लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ, वो भी बहुत तेज स्पीड में। बट यहाँ से क्यों भागने की जरूरत है, हमने शॉर्टकट रास्ता ओपन कर लिया भाई। हम शॉर्टकट रास्ते से जाने वाले हैं, बस थोड़ा कम स्पीड में, क्योंकि आइसक्रीम अंकल मींस रॉड अगर आया तो बैंड बजा डालेगा। नाइस, यहाँ से भी मुझे नीचे चलना होगा। मैं सीधा उसकी फैक्ट्री में चले जाऊँगा। लेट्स गो, फैक्ट्री में मींस वेयर हाउस में, जहाँ पर ये अपनी सारी आइसक्रीम बना के रखता है। मुझे भी बस वो वाली जगह ढूंढनी है जहाँ पर मुझे स्टेप लैडर लगा के ऊपर चढ़ना था। नाइस, तो अभी मैं स्वेंट के थ्रू होता हुआ वापस से बाहर आ चुका हूँ इसकी फैक्ट्री में, मींस इसके रेस्टोरेंट में। अभी जल्दी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं और अभी मैं फाइनली यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। जल्दी से इसको यहाँ पर लगाते हैं और मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। मुझे अब बस इसको जाके तोड़ना होगा। नाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। क्रैक्ड रूफ, इट्स क्रैक्ड एंड इट्स लुक लाइक इट्स अबाउट टू ब्रेक। वो टूट तो जाएगी, मुझे भी दिख रहा है, बट कैसे टूटेगी वो मुझे सोचना होगा। कुछ तो फायर क्रैकर या कुछ छोटा मोटा ब्लास्ट करने वाला चाहिए होगा। फाइनली अभी मैं दूसरे रास्ते पे आ चुका हूँ। इधर मुझे कुछ ना कुछ तो, एक सेकेंड, ये फायर एक्सटिंग्विशर मैंने देखा था, क्या मैं इसको उस पर फेंक के मारूंगा तो वो टूटेगा? ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा प्लान है, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है यार, क्या पता बाय चांस ओपन हो ही जाए। तो इसे लेकर चलते हैं उस जगह पे फिर। और वैसे भी जब तक ये मेरे हाथ में है तो मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर रॉड मुझे मारने आता है तो ये मैं उसके मुंह पे भी फेंक के मार सकता हूँ। और अभी जल्दी से इसके ऊपर चढ़ते हैं और इसके ऊपर चढ़ के इसको मैं इस पर फेंक के मारता हूँ। ओ वेट, नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा, उल्टा बहुत ज़्यादा शोर मच रहा। ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे, यहाँ पर यूज़ करने का आ तो रहे।
ओ तेरी, तो मुझे फायर एक्सटिंग्विशर को नॉर्मली यूज करना था। जैसे मैंने इसका धुआं छोड़ा, ऊपर का फ्लोर प्रॉपरली टूट चुका है। अभी मुझे बस ऊपर से जाके बोरिस को परेशान करना है ताकि वो मुझे मारने आए और फिर इस फ्लोर से नीचे आके गिर जाए, तो वो कंट्रोल रूम से हटेगा, मैं अपने दोस्तों को छुड़ा लूंगा। और वैसे भी बोरिस सो रहा है, मैं उसको हिला तक नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा जिससे बोरिस भी इधर उधर को मूव हो। खैर एक जगह और थी ना जहां पर मुझे कुछ तो लगाना था, मतलब स्लॉट्स थे वहां पर। खैर मुझे यहां से एक आइसक्रीम मिल गई है और मुझे यही चीज टेस्ट करनी थी कि वो जो पीछे एक मशीन थी जिसमें से कैंडी मिलने वाली है, क्या मैं ये आइसक्रीम उस मशीन में लगा सकता हूँ या फिर इन रोबोट्स को खिला के इन्हें खुश कर सकता हूँ ताकि ये लोग मुझे पकड़े ना। उसके अंदर लगाता हूँ, ओ तेरी, इसमें लग गई है। और मुझे कुछ इसी टाइप के तीन आइसक्रीम लगानी है। मुझे, मैंने यहाँ पर तीन आइसक्रीम देखी थी कहीं, तो एक तो ये वाली हो गई, एक पिंक आइसक्रीम ऊपर वाले फ्लोर पे देखी थी मैंने, तो अभी एक आइसक्रीम मैंने यहाँ पर देखी थी, ये है येलो आइसक्रीम। इसको मैं वहां पर लगाने का ट्राई करता हूँ, शायद से यही होगी वो दूसरी आइसक्रीम। फिर एक आइसक्रीम है पिंक वाली जो कि मुझे ऊपर से लेकर आनी है, और अभी मुझे यहाँ से एक पिंक आइसक्रीम लेनी है। और वो जो कार्पो, वेट, पिंक आइसक्रीम मुझे यहाँ से मिल गई है, इसको फटाफट से मैं अपने साथ कैरी कर लेता हूँ। इस आइसक्रीम को नीचे ले जाके लगाना है, फिर मुझे वो कैंडी मिल जाएगी, बट मेरे को नहीं पता उस कैंडी से क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो अभी मैं ये पिंक आइसक्रीम लेकर वापस से इस मशीन के पास आ चुका हूँ। जल्दी से इसको यहाँ पर लगाते हैं और इस बटन को दबा कर इस मशीन को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर ये कैंडी इसके अंदर जा चुके हैं और ये यहाँ से बाहर आ गए। इसको उठा लेते हैं, सुपर स्टिकी गम। वेट, इस कैंडी का नाम क्या है? सुपर स्टिकी गम। ये कैंडी है या फिर गम है? मैं समझ गया इस कैंडी का क्या यूज है। मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि अगर मुझे कैंडी मिल भी गई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो ये कैंडी यूज कहां पर होने वाली है, बट अभी मुझे समझ आ गया है। ये कैंडी गाइस हमें कारपेट को होल्ड करने के लिए लगानी है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सुपर स्टिकी गम है, मतलब काफी ज्यादा चिपचिपी कैंडी है, तो ये कारपेट को चिपका लेगी। ऑल राइट, तो अभी मैं ये सीक्रेट रास्ता यूज करते हुए वापस से इस जगह पर आ चुका हूँ। और हाँ, मैं यहाँ पर इस गम का यूज करके चारों कोनों पे हल्की फुल्की ये लगा सकता हूँ और इसके ऊपर शायद से अब मेरा कारपेट लग जाएगा। पहले सारे गेट वेट बंद कर देते हैं और जल्दी से इस कारपेट को मुझे यहाँ पर लगाना है, और ये लगने के लिए काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। वेट, फाइनली ये कारपेट मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अभी मुझे द ट्रैप्स आर रेडी, नाउ यू जस्ट हैव टू ल्यूर बोरिस ओवर हियर। मुझे इसे परेशान करके यहाँ पे बुलाना है, बट ये उस गेट से हटने नहीं वाला, ये बात मुझे अच्छे से मालूम है। वो जो गन है ना, शायद अभी मुझे वो गन इसके ऊपर मारनी होगी ताकि ये मुझे मारने के लिए आए और फिर ये नीचे चले जाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी जल्दी से वो गन भी लेकर आते हैं, अपना काम संभाल लो, हो चुका है। ये देखो यहाँ पर एक कोड उस पर लिखा हुआ है, इट्स लुक लाइक द नंबर आर रिलेटेड एंड इन अ सर्टेन ऑर्डर, मतलब ये किसी एक सर्टेन ऑर्डर में है सारे के सारे नंबर। तो जैसे मुझे यहाँ पर 4 मिला, इधर भी, इधर से मुझे 2 मिला था, तो मान लो अभी मुझे 402 एक कोड मिल चुका है, बट इनका ऑर्डर किस हिसाब से होगा ये मुझे समझना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या कोई कोड? इधर तो कोई भी कोड नहीं है, यहाँ पर 0 है, ये देखो 042 मुझे 2-3 कोड। वेट, अभी मैं समझा गाइस, देखो ये जो म्यूजियम है ना, ये म्यूजियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मैं काफ़ी देर से ना ये चीज़ें भी नोटिस कर रहा था। देखो सामने ए लिखा हुआ है, यानी सबसे पहला रास्ता यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो रेड कारपेट है ना, इस कारपेट पे मुझे चलते जाना है और अलग अलग कोड ढूंढते जाने हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है ऐसे ही होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं पता, मैं उन फिर सभी को कोड को ना तुक्के में इधर उधर करके डालने वाला हूँ, बट ट्राई करते हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पर गया, अगर, अरे यार तू आ जा पहले। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो म्यूजियम है ना, उसका रास्ता ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस म्यूजियम की जो एंट्रेंस है, इस रेड कारपेट पे मुझे चलते जाना है और अलग अलग कोड ढूंढने, क्योंकि उसमें साफ लिखा है ये एक सर्टेन ऑर्डर में है। तो जैसे फर्स्ट कोड मुझे यहाँ पर मिला जो कि है 0, तो यानी अपना फर्स्ट लेटर पे हम लोग 0 को रख देते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी कोड नहीं दिखा, बाइक के अगल बगल नीचे ज़मीन पे चेक कर लेते हैं, नहीं, तो अभी भी अपना फर्स्ट कोड है 0। इसी रेड कारपेट पे चलते चलते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, जब भी मुझे कोई कोड मिल रहा है तो उसके आसपास रेड कारपेट जरूर है। तो ये अगला है 04, तो 4 हो गया, तो 04 अब चलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, बट हाँ इधर एक था, ये है 2042 मुझे मिल गया है और रोबोट ने मुझे देख लिया, बट उसका ध्यान नहीं गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वो ढूंढ रहा भाई मुझे इस रेड कारपेट पे, चले चले चले। यहाँ पर कोई कोड है? यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, और ये आगे रास्ता बंद है, बट रेड कारपेट बंद नहीं है, यानी मुझे उस साइड जाना है। उस साइड जाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता यूज़ करना होगा, ताकि मैं इस म्यूजियम की दूसरी साइड पर जाके कोड पता कर सकूँ। लेफ्ट में रास्ता ओपन नहीं हो रहा, आगे से घूम के आना पड़ेगा। 042 अभी तक अपना कोड बना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया सीन हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपना वो जो रास्ता यहाँ पर बंद हुआ था ना साइड से, वो कारपेट देखो यहाँ से घूम के आया
और ये है इसका एंड पॉइंट, और यहाँ पर ये रहा कोड 0428, ये कोड मेरा बन रहा है और ये एकदम आई है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये तो ज्यादा हो गया, ई एफ जी एच आई आई यहाँ पर हो गया ना एंड, इसके बाद मुझे वहां पर जाकर इस कोड को डाल के गन निकाल लेनी है 0428, याद रहना चाहिए, ये किसी कीमत पे मिस नहीं होना चाहिए, अगर हो भी गया तो मैं दोबारा ढूंढ लूंगा यार। वैसे हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कोड सही होना चाहिए, पता चला गलत कोड को लेकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। लेट्स गो, जल्दी से चलते हैं अंदर, और वेट, मेरे पीछे वो रोबोट है, नहीं उसकी आवाज़ आ रही थी बट वो है नहीं, जल्दी से उस कोड को डालते हैं यहाँ पर 0428 प्लीज। ओ नाइस, तुम्हारे भाई ने एक ही बार में एकदम सही कोड डाल के गेट ओपन कर दिया, मुझे इलेक्ट्रो गन मिल चुकी है और अभी मुझे इस इलेक्ट्रो गन को लेकर यहां से निकलना होगा सीधा बोरिस के पास। फाइनली गाइस, अभी मैं इस गन को लेके बोरिस के पास पहुंचने वाला हूं। मेरे पीछे आइसक्रीम अंकल पड़ गए थे बट मैं उनसे बच गया हूं। मुझे ये गन अब बस इसके मारनी है, और अभी उसकी नींद मैंने खोली है, बस उसको इस गन से कुछ भी नहीं हुआ। ओ नहीं वेट, अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ एकदम करेक्ट हुआ, वो नीचे जाके गिर चुका है। मुझे एक बार को लगा था कि सही में ये मेरे को आके मारने वाला है बहुत बुरी तरह, बट हम लोगों ने कर दिखाया। अभी हमें ये जो गेट है ये इसको बंद करो है, अगर कल को वो आ गया तो मुझे बहुत बुरा पीटेगा। जल्दी से मुझे भी अंदर चलना होगा, और यहाँ पर वो, ओ ये रहा कंप्यूटर, भाई साहब इसने क्या बना रखा है इतना बुरा, और ये जो पिंक वाला रूम है पक्का ये उसी का कुछ ना कुछ है। खैर अभी मुझे ये बटन दबा के अपने सभी दोस्तों को यहाँ से बचाना होगा। लेट्स गो, सारे के सारे गेट ओपन हो गए हैं एक ही बटन से, और अपने तीनों दोस्त यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। ओ भाई, ये दोनों भाई बहन बहुत मस्त खुश हो गए हैं, और वो बेचारा परेशान हो रहा है माइक, बट ये यहाँ कैसे पहुंच गया इतनी जल्दी। ओ भाई, ये तीनों जंप मार के नीचे चले गए, ओ बच गए। मुझे लग रहा था मोटा पकड़ा जाएगा बट वो भी बच गया है। एक सेकेंड, ओ भाई साहब, हम लोग अभी भी इसकी फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं, तभी इतना ज्यादा खुश हो रहा है। भले ही हम लोगों ने यहां से एस्केप कर लिया है बट अभी भी हम लोग प्रॉपरली रॉड से मींस आइसक्रीम अंकल से बच के नहीं भाग पाए हैं। पता नहीं यार ये कब खत्म होने वाला है गेम, आइसक्रीम 4 में भी अभी हम लोग इसके जाल में फंसे हुए हैं। तो चलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे नीचे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या आप लोग एक्साइटेड हो आइसक्रीम 5 के लिए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।